hats off to the captain of the ship, Azim sir को, क्योंकि ऐसे कई बार ऐसा लग रहा था कि अब वही चीजें दिखाई जाएंगी जो एक्सप्लॉयटेशन दिखाया जाएगा, अकेले में लेके जा रहे हैं, अभी जंगल में लेके जा रहे हैं, तो शायद वही ट्रेंड जो चल रहा है, वल्नरेबल सिचुएशन है उस फिल्म को बेचने की लोगों को, वो रहता है। लेकिन बहुत रिलीफ हुआ आखिर तक हमने जब देखा कि इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग एंड इट वॉज अ क्लीन फिल्म। बहुत जिगर चाहिए इस तरीके का फिल्म इस समय बनाने के लिए, जब कि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन मार्केट में फैला हुआ है कि यू हैव टू बिकम लिटिल वल्गर बोल्ड ऐसा करके करना। बट इसमें मैं डॉक्टर डायरेक्टर साहब अजीम सर को बहुत बहुत थैंक्स दूंगी, क्योंकि ये कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। जी, डायरेक्टर अरमान है, अंजलि है, पल्लवी है, उनके बारे में जाहिर कहीं कैसे नहीं। उन्होंने भी बहुत एज अ डेब्यू में, अगर इसको डेब्यू कहते हैं उनका, तो बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। एंड कहीं ऐसा उनका, चूँकि वो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं, तो उनमें उनके चेहरों में ना बहुत इनोसेंस है, वो चालाकी नहीं है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। गाना भी एक ही गाना है, पूरी ओवरऑल गाना बहुत सुंदर है। गाना नहीं, मतलब बीइंग अ सिंगर आप भी सिंगर हो। हाँ, गाना तो पूरे बहुत बड़े फिल्म का ग्रैंडर ला रहा है, पूरी फिल्म को बहुत बड़ा ग्रैंडर दे रहा है म्यूजिक। वैसे आप क्रिटिक नहीं हो, फिर भी अगर स्टार देने हो तो कितने स्टार देंगे पार्ट में से आप? ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही है, हम तो कहेंगे 5 में से 5 ही देंगे। बहुत सिंपल, स्वीट, ब्यूटीफुल लव स्टोरी। I think if I rate it like around 4-4.5. इसमें अरमान जी हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, और अपने जो डायरेक्टर हैं अजीम सर, जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इतने एफर्ट्स लगाए हैं, और आई विश एंड डेफिनेटली बी अ सुपर हिट। और 5/5 जो रेटिंग है, फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन इस तरह की फिल्म बनाना आज के समय में बहुत बड़ा रिस्क है। जिसने भी उठाया ये, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कहीं पहल करने की जरूरत है, नेगेटिव खत्म करने की जरूरत है, तो इस फिल्म में मुझे दिखाई दी। हो सकता है ये फिल्म ऐसी बन जाए कि इसको देख के लोग बिना वैरायटी, हर रोमांटिक फिल्म में उसके सॉन्ग बड़े महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस फिल्म में भी रोमांटिक फिल्म में जो गाना रखा गया बहुत बेहतरीन था, वो गाना अगर मैं समझता हूँ हम सही से प्रमोट कर चुके होते हैं, कर दें अभी भी, तो ये फिल्म जो है करोड़ों कमाएगी सिर्फ इस गाने पे। थैंक यू। कहीं लगा आपको कि ये फिल्म अब कुछ दिखाने वाली, अब कुछ होने वाला है? मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जो पहले सीन से जब आई, बिना किसी बात के उसने बोला आई लव यू बोल दिया, मतलब जो थॉट प्रोसेस था वो अलग था, उसमें मतलब वो चीज सोच भी नहीं आती, लड़की आई लव यू बोल रही पहला था, तो वो पहली बार हुआ ना सर, और बिना उसको जाने पहचाने किसी को, तो ये अच्छा थॉट था। और मैं इसको फिल्म को देना चाहूंगा तो मैं भी 5 में से 4.5 ही दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी कहीं छोटी मोटी कमियां हैं वो मुझे दिखी, मैं बता नहीं सकता है, लेकिन कमियां हैं, इसलिए 5 में से 4.5। सर एक लास्ट सवाल ये है, आपने बहुत सारी इस फिल्मों में तीन जो हीरो थे, हीरोइन थे, दोनों में से सबसे बेस्ट किसने अच्छी एक्टिंग की, एक नाम बताना सर। एक यार ऐसे एक बताना तो देखो क्या होता है, सच बोलना, एक हाथ से मैं ताली नहीं बजा सकता सर, बिल्कुल दो आदमी तो चाहिए, तो हीरो हीरोइन दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन जो तीसरी थी बीच में उसने भी अच्छा काम किया। मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी है पिक्चर। मेरा नाम फरजाना खान है, मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, तस्वीर इसकी, मूवी सारी मूवी होती है जिसको रोमांटिक मूवीज होती है, बहुत सारी मूवी है जिसको फैमिली एक साथ नहीं देख सकती, बट ये तस्वीर इसकी मूवी है जिसको पूरी फैमिली साथ में देख सकती है। मैं इसको 5 में से 5 नंबर देना चाहूँगी, अच्छी लगी। लव स्टोरी एंड गाना तो बहुत कमाल का है, बहुत साफ, बहुत क्लीन फिल्म बनाई है, बहुत अच्छे से बनाई है। एंड साहिबा जो गाना है सबसे बड़ा हाईलाइट है इस मूवी का, एंड अगर मैं रेट करना चाहूँ 4/5। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।